गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स वी कंटिन्यू आवर टॉपिक. टूडेज आवर टॉपिक इज फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन. हाउ द सीड फ्रूट इज फॉर्म एंड हाउ द सीड्स आर फॉर्म. इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड पॉलिनेशन मेथड. दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन from anther to stigma part of the pistil. Then we discuss about the fertilization process means fusion of gametes, means fusion of male and female gametes, that is called fertilization process. तो हमने पिछले लेक्चर में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन प्रोसेस के बारे में देखा. पॉलिनेशन हमने देखी टू टाइप की, सेल्फ पॉलिनेशन देन क्रॉस पॉलिनेशन. और फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करवा देती हूँ चीज़ों को आपको, ठीक है. देयर इज द थैलेमस पोर्शन इन द लोअर एंड देयर इज द पिस्टिल पोर्शन, ठीक है. और यहाँ पे ये है आपका ये स्टेमन पोर्शन. तो हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोला था, पॉलिनेशन प्रोसेस यहाँ पे हो चुकी है. देयर इज द पोलन ग्रेन्स वेयर मेल गैमेट्स आर देयर, ठीक है. ये पोलन ग्रेन्स हैं जिनमें मेल गैमेट्स हैं, और ये हैं आपके पिस्टिल पोर्शन के स्टिग्मा पोर्शन पर. एंड लोअर पोर्शन में यहाँ पे आपका फीमेल गैमेट है ओवरी वाले पोर्शन में. ये जो ओवरी वाला पोर्शन है, ठीक है, ये ओवरी वाला पोर्शन है ना, और इसके इनसाइड जहाँ पे ओव्यूल है इनसाइड में, और यहाँ पे जो है एग स्ट्रक्चर होता है, यानी कि फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है. यहाँ पे ये एग सेल है, मींस फीमेल गैमेट, ओके. तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये पोलन ग्रेन जो है यहाँ पे पहुँच चुका है, तो यहाँ पे केमिकल होते हैं इसके रिसेप्टिव, ये जो पोर्शन है स्टिग्मा वाला, ये कुछ केमिकल्स फॉर्म करता है और ये यहाँ पे एक पोलन ट्यूब बना देता है. पोलन ट्यूब बनाएगा क्योंकि अब आपको पता है मेल गैमेट तो यहाँ है. फर्टिलाइजेशन कब होगी, जब मेल गैमेट जो वो फर्टिलाइज करेगा, यानी कि फ्यूज करेगा, जाके मिल जाएगा एक्सेल यानी कि फीमेल गैमेट के साथ, तभी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी. तो यहाँ से देखिए, ये पोलन ट्यूब फॉर्म करता है यहाँ तक, ठीक है. और इस पोलन ट्यूब में से ये मेल गैमेट होते हैं, टू मेल गैमेट बीच में, ये इसके बीच में से आएंगे, ठीक है. और वन गैमेट जो है मेल का, वो यहाँ पे फ्यूज़ कर जाएगा. और फ्यूज़ करके मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये क्या बना देता है, जायगोट पोर्शन बना देगा. अब यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न हो गया है, मीन्स फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो वो हो चुकी है, ठीक है. फर्टिलाइजेशन हो गई मेल और फीमेल गैमेट का, और सेकंड निकले जो वो यहाँ से जाके फिर यहाँ मिलता है ट्रिपल फ्यूज़न. लेकिन आपको इतना आगे नहीं जाना है, सिर्फ यहाँ तक देखेंगे हम. जायगोट फॉर्म हो चुका है, अब ये क्या करता है, ये ग्रो करना स्टार्ट करता है, ठीक है. फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जायगोट फॉर्म हो जाता है. अब ये जायगोट जो वो डिवेल्प हो जाता है, फर्दर इसमें डिवाइडेशन चलती है, देन ये एम्ब्रियो फॉर्म कर देता है, ओके. तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं, ये तो हम अपने पिछले लेक्चर में पहले ही बता चुके थे आपको. अब हम देखेंगे कि फ्रूट की फॉर्मेशन कैसे होती है. ये ही अब क्या करेगा, ये जो जायगोट वाला पोर्शन है, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओवरी वाला पोर्शन है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ओवरी वाला पोर्शन जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, मेल गैमेट यहाँ पे जाके मिल जाएगा. फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये ओवरी वाला पोर्शन जो वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है. यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करेगा और ग्रो करके ये कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट बना देगा आपका. क्या बोला हमने, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी पोर्शन जो वो ग्रो करता है और ग्रो करके ये बना देता है फ्रूट, ठीक है. फ्रूट में डेवलप हो जाता है, तो हम किसे बोलते हैं, ये जो हमारी राइपंड ओवरी है, राइपंड होता है पकी हुई, ठीक है. राइपंड या आप इसको मेच्योर बोल सकते हो, ठीक है. राइपंड ओवरी को हम बोलते हैं फ्रूट. और आपको पता है इसके अंदर जो वो ओव्यूल्स होते हैं, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है. और राइपंड जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस में डिवेल्प हो जाते हैं, वो सीड बना देते हैं हमारे, ठीक है. तो इस तरीके से सीड जो है, सीड हमारा बनता है ओव्यूल से, ठीक है. राइपंड जो हमारे ओव्यूल्स होंगे
उनको बोला जाता है सीड, और राइपन्ड ओवरी जो है वो आपका फ्रूट बना देती है। और सीड के अंदर जो है वो क्या होता है, हमारा एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एम्ब्रियो के बाद जो जो सीड है ना, सीड के बाहर एक सीड कोट होता है, हार्ड, काफ़ी हार्ड जो है वो सीड कोट होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को। तो हमने देखा, ठीक है, जो ओवी जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेल की डिवाइडेशन चलती रहती है, सेल ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। ये ग्रो करेगा, ओवरी वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप देखोगे ये बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अंदर जो ओवी वाला पोर्शन है उसके अंदर क्या है, सीड, ये जो ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल भी क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, राइपन्ड हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे, तो ये सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सीड के अंदर आपका एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, और सीड के बाहर एक सीड कोट होता है जो काफ़ी हार्ड होता है, जो इस एम्ब्रियो को अंदर क्या रखता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप रात को, ठीक है, ग्राम सीड जो है, जो चने की सीड है, वो भिगोने डाल दें, ठीक है, सुबह निकाल के देखें, तो उसका जो सीड कोट होता है ना वो आसानी से निकल जाता है। लेकिन अगर आप वैसे निकालोगे तो वो हार्ड सीड में कोट नहीं निकलता है, ठीक है, उसमें फूड को स्टोर करके रखता है। आप उस सीड कोट को निकाल दीजिए ना, उसके दो पोर्शन हो जाते हैं बीच में से, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके का एक पोर्शन होता है बीच में, स्मॉल सा, ठीक है, देखें आप घर में। तो ये वाला लोअर वाला पोर्शन रेडिकल जो क्या करता है, रूट बनाता है, और ये प्रीम्योर वाला पोर्शन जो होता है वो क्या बनाता है, स्टेम, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन होते हैं, दो जो कोटिलीडन होते हैं, ठीक है, इन्होंने फूड स्टोर करके रखा होता है। चलिए, तो इतना याद रखें, ठीक है, कैसे ये फ्रूट बनता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो आपका फ्रूट होता है ना, ठीक है, फ्रूट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब फ्रूट जो आपका होता है, कुछ फ्रूट आपके कैसे होते हैं, फ्लैशी होते हैं एंड जूसी होते हैं, ठीक है, जिनमें बहुत ज़्यादा जूस होता है। तो ऐसे कौन से फ्लैशी और जिसमें खाने का मटेरियल ज़्यादा होता है, जैसे मैंगो है, ठीक है, उसमें जूस भी काफ़ी होता है, जैसे ऑरेंज है, तो ये आपके कैसे हैं, फ्लैशी एंड जूसी हैं, ये है जो आपके फ्रूट हैं। लेकिन कुछ फ्रूट आपके काफ़ी हार्ड होते हैं, ठीक है, जिनकी सीड कोट काफ़ी हार्ड होती है, लाइक आलमंड है जैसे, ठीक है, वॉलनट है, अखरोट, ठीक है, कैजू नट है, काजू है, ठीक है, तो ये सारे आपके फ्रूट्स में आते हैं। चलिए आप देखते हैं हम सीड डिस्पर्सल मेथड के बारे में, ठीक है, सीड जो वो एक जगह से दूसरी जगह जो वो कैसे पहुंचते हैं, इसका क्या मतलब है, सीड जो है वो कैसे डिस्पर्स करते हैं, सीड डिस्पर्सल, ठीक है, सीड का डिस्पर्सल जो वो कैसे होता है। अब नेचर में एक्चुअली क्या है, ठीक है, आप देखते हो एक ही तरह के सेम प्लांट जो है वो आपको किसी दूसरे एरिया में, ठीक है, डिस्टेंट, दूर दूर, अलग अलग प्लेसेस पे भी सेम प्लांट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली जो प्लांट यहाँ पे हैं वो दूसरे एरिया तक कैसे पहुँचे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। तो ये होता है सीड के डिस्पर्सल के थ्रू, जब सीड एक जगह से डिफरेंट प्लेसेस या डिस्टेंट प्लेसेस में चले जाते हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू जाते हैं। तो कैसे जाते हैं इनके बारे में हम देखेंगे अब यहाँ पे, कि दूसरी जगह पे भी, जैसे यहाँ पे देख लो पाइनस के, चील के पेड़ है, ठीक है, आप दूसरी जगह भी देखोगे वहाँ पे भी चील के पेड़ होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं होंगे। तो वो ही प्लांट वो वहाँ पे दूसरी जगह कैसे पहुँचा, वो सीड डिस्पर्स होते हैं उस मेथड से जाते हैं। अब कैसे होता है, कई बार आप क्या होता है, जैसे फॉरेस्ट में चले हुए, पार्क में चले हो, ठीक है, या फील्ड में चले हुए, तो आपके जो क्लोथ होते हैं उनके साथ ना कुछ चीज़ें जो स्टिक कर जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे स्टिकिंग हो जाती है, मतलब चिपक जाती हैं आपके, और जब आप दूसरी जगह जाओगे, ठीक है, फिर उसको निकाल के फेंक दोगे तो वो चीज़ वहाँ पे ग्रो करेगी। तो इस तरीके से सीड जो वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, ठीक है। क्या आपने ऑब्जर्व किया है कभी कि ये जो सीड है वो आपके क्लोथ के साथ कैसे क्लिंग हो जाते हैं, ठीक है, तो कुछ जो वो काफ़ी स्पाइनी होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी वो आपके क्लोथ के साथ जो वो चिपक जाते हैं, ठीक है, और दूसरी जगह का जब आप जाओगे फेंक दोगे उनको तो वो वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या सोचते हो, ठीक है, अगर क्या हो, अगर प्लांट के सभी सीड जो हैं वो एक ही जगह पे गिर जाए, ठीक है, जितने भी सीड है ना, ये अगर क्या होगा, अगर सारे ही सीड प्लांट के एक ही जगह पे क्या हो जाए, गिर जाए, ठीक है, वहाँ पे उनका फॉल हो जाए, एक ही जगह पे फॉल कर जाए, तो क्या होगा। देखिए, अगर वो एक ही जगह पे ग्रो करेंगे ना, अब क्या होगा, इनके बीच में एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब कंपटीशन कैसे हो जाएगा, देखिए, इनको जो है वाटर लेना पड़ेगा। अब ये भी पास में है प्लांट,
ठीक है, ये सीढ़ी है, इसको भी चाहिए वाटर, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी। अब इसको अकेले को आराम से इतना मिल जा रहा था, अब इतने ज़्यादा तो इसको आपस में कम्पीट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा मिनरल्स हैं, वो भी कम्पिटिशन में लेने पड़ेंगे, प्रॉपर नहीं मिलेंगे इसको पूरे, ठीक है। इन सब से कम्पिटिशन करना पड़ेगा, फिर जो हिस्से में आएगा वो मिलेगा इसको, सनलाइट के लिए करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों के लिए, इनको आपस में स्पेस के लिए। अब इसकी यहाँ पे रूट्स फैल जाएंगी तो इसकी भी तो फैलेंगी कहाँ पे, ये इसको इतना स्पेस ही नहीं देंगे, ठीक है, तो ये ग्रो ही नहीं कर पाएगा, इसको मिनरल नहीं मिलेगा, तो एक दूसरे के मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे। इस तरीके से बीच में काफ़ी ज़्यादा सनलाइट के लिए, ठीक है, फिर वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इनको जो है आपस में कंपटीशन करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो आपका मेथड है, ठीक है, सीड डिस्पर्सल का, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, ये मेथड जो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब देखिए यहाँ पे अगर सीड जो है वो डिस्पर्स हो जाएगा ना, एक जगह से दूसरी जगह सीडिंग चला जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पे इतने ज़्यादा थे, अब यहाँ नहीं है कंपटीशन, ठीक है, ये डिस्पर्स हो गए, दूसरी जगह चला गया, तो एक दो है, अब इसको क्या आराम से सनलाइट भी पूरी मिल रही है, वाटर भी पूरा मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिनरल भी पूरे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये आपका एक हेल्दी प्लांट ग्रो हो जाएगा, और ये आपका एक अनहेल्दी प्लांट होगा, या हो सकता है इवन ये ग्रो भी ना कर पाए, ठीक है, तो अनहेल्दी प्लांट। और यहाँ पे क्या है, इसके पास स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पेस जो है काफ़ी ज़्यादा फैल सकता है ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये इनेबल बना देते हैं प्लांट को कि ये अपना न्यू हैबिटेट जहाँ पे इनको मिलता है, ठीक है, वहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ये फैल जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो ये इस तरीके से, इसीलिए क्या है, सारे सीड एक जगह पे नहीं रहते हैं, सीड डिस्पर्सल मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब सीड्स और फ्रूट्स जो हैं प्लांट के, ठीक है, वो कैसे करते हैं, अब देखिए डिस्पर्स होगा कैसे, हमने तो बोल दिया, ठीक है, अभी तो हमने देखा कि डिस्पर्सल होना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं होगा तो ये सारे कम्पीट करना पड़ेगा और कम्पिटिशन में चीज़ें नहीं मिलेंगी। मान लो देखो एक छोटा सा रूम है, ठीक है, इसमें क्या है, ठीक है, आपका स्कूल का एक छोटा मतलब रूम है, अब इस पर देख लो, मतलब टोटल है कि 30 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं आ सकते इसमें, ठीक है, 30 ही आएंगे, 30 से ज़्यादा नहीं आएंगे। अब आपको बोला गया है कि 70 स्टूडेंट भेज दिए हैं, कि 70 स्टूडेंट मतलब 70 जो है स्टूडेंट वो यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, पहले 30 रहा करते थे आराम से, ठीक है, अब यहाँ पे इतना मतलब रूम है कि इसमें 30 स्टूडेंट आराम से आया करते थे, अब 70 हो गए हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन हो रही है, ठीक है, इनसे नहीं रहा जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ रूम जो वो 30 स्टूडेंट के लिए है, अब ज़्यादा आ जाएंगे तो इनको हर चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, बैठने में स्पेस में दिक्कत होगी, ठीक है, इनको इतना स्पेस नहीं मिलेगा बैठने के लिए, और भी काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए क्या है, अगर इनको अलग रूम दिया जाएगा तो फिर वो आराम से रहेंगे, तो वही बात सीड की है, ठीक है, सीड को कितना स्पेस देंगे तो वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रैक रहेगा। अब ये जो सीड और फ्रूट है, ठीक है, ये डिस्पर्स कैसे करते हैं, तो डिफरेंट मेथड है, ये विंड के थ्रू कर जाते हैं, ठीक है, वाटर के थ्रू ये कर सकते हैं स्प्रेड, या एनिमल जो जब फॉरेस्ट से निकलते हैं तो उनके साथ क्लिंग कर जाते हैं, देन इंसेक्ट है, ठीक है, जब वो पॉलिनेशन करते हैं, फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, ठीक है, तो उनके जो लेग पोर्शन है उसके साथ, ठीक है, हेयरी सा स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे ये क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं उनके साथ, या उनके विंग्स के साथ चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे से फ्लावर के ऊपर बैठेंगे तो वहाँ पे उनको क्या कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे अपने उनके पोलन ग्रेन जो उनके ऊपर थे, और वहाँ पे पोलिनेशन हो जाएगी, तो इस तरीके से भी, ठीक है, या फिर एनिमल्स हैं उनके साथ जो जाते हैं ना, ये तो पोलिनेशन में हो गए, ठीक है, कुछ सीड को भी क्या करते हैं, डिस्पर्स करने का काम करते हैं, जो काफ़ी लाइट होते हैं। और यहाँ पे देखिए एनिमल्स में भी, जब भी वो फॉरेस्ट से निकलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं वहाँ पे कुछ स्पाइनी जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से कुछ सीड के, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, उनकी स्किन जो बॉडी के साथ जो वो चिपक जाते हैं, और जैसे वो क्लिंग कर जाएंगे, ठीक है, जैसे दूर डिस्टेंट प्लेसेस पे जाएंगे तो वो वहाँ पे उनकी बॉडी से निकल जाएंगे, तो क्या होगा, वो प्लांट वो वहाँ पे ग्रो कर जाएगा। तो ये डिफरेंट मेथड है, ठीक है। अब देखिए जो विंड के थ्रू करते हैं, ठीक है, ऐसे जो विंड के थ्रू करेंगे ना, तो वो कैसे होंगे सीड, हम यहाँ पे, ठीक है, पॉलिनेशन में भी इंसेक्ट का होता है, तो यहाँ पे हम सीड का देखेंगे, ठीक है, सीड कैसे करते हैं, तो किस तरीके के सीड कौन कैरी कर सकता है। जैसे जो विंड के थ्रू कैरी होंगे, अब विंड है ना, तो विंड क्या करती है, हल्की चीज़ों को ही उठा के लेके जाएंगी, तो जो विंड के थ्रू करेंगे उसके सीड जो कैसे होंगे, वो विंड सीड्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके का, ठीक है, ये जो सीड है वो इस तरीके का विंग्ड होगा,
ताकि विंड इसको क्या है आसानी से कैरी कर पाए। ठीक है, ये मैपल प्लांट होता है उसका होता है। ठीक है, या फिर आपका इस तरीके का जो है ड्रम स्टिक का है। ठीक है, थोड़ा सा मैं व्यू आपको दे देती हूँ किस टाइप के हैं ये। ठीक है, इस तरीके का बिंड जो है वो स्ट्रक्चर होता है ताकि एयर जो है ये ड्रम स्टिक का है ताकि एयर जो है वो इसको आसानी से कैरी कर सके। ठीक है, तो बिंड जिसको कैरी करके लेके जाएगी तो वो सीड कैसे होंगे, वो बिंड होंगे, ऐसे उनके बिंड होंगे। ठीक है, ताकि उनको कैरी करना जो वो इजी हो जाए और वो काफ़ी दूर जो प्लेस होते हैं ठीक है वहाँ तक लेके जाती हैं। तो लाइट होते हैं कुछ सीड जो हैं, जैसे ग्रासेस है आपकी, हेयरी सीड होते हैं, अक है। ठीक है, हेयरी सीड्स होते हैं जैसे अक है। ठीक है, उसके आ जाते हैं मदार या हेयरी फ्रूट होते हैं, सनफ्लावर जो है। ठीक है, सनफ्लावर जो है उसका फ्रूट जो होता है वो हेयरी फ्रूट होता है। ठीक है, हेयरी फ्रूट। ठीक है, तो हेयरी फ्रूट कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरीके से हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं अब प्लांट वगैरह में। ठीक है, तो वो ब्लोन ऑफ हो जाते हैं बिंड के साथ। ठीक है, और काफ़ी दूर प्लेसेस तक उनको लेके चले जाते हैं, हवा अपने साथ ले जाती है। ठीक है, बिंड जो है कुछ सीड जो वो वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं या सीड्स यूजली। अब जो वाटर के थ्रू करेंगे ना, एक तो उनका क्या होगा, फ्लोटिंग नेचर होगा, जो उनके ऊपर बैकसी कवरिंग हो थोड़ी सी। ठीक है, और फ्लोटिंग जो फ्लोटिंग कर सके, अब फ्लोटिंग कौन से करेंगे, जो स्पॉन्जी होंगे थोड़े से या फाइब्रस फॉर्म में होंगे, स्पॉन्जी होंगे या फाइब्रस होंगे। ठीक है, तो इसमें आपका एग्जांपल आ जाता है जैसे कोकोनट है आपका। ठीक है, वो भी फाइब्रस होता है, आपने देखा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे इसके सीड जो डिस्पर्स करते हैं वो वाटर के थ्रू करते हैं। ठीक है, वाटर के थ्रू करेंगे, कुछ सीड डिस्पर्स करते हैं एनिमल्स के थ्रू, जैसे स्पाइनी, मैंने बताया आपको स्पाइनी सीड्स होते हैं। ठीक है, उनमें हुक्स बने होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एनिमल के साथ जो है वो लिंक हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे वो जितने डिस्टेंस प्लेसेस तक जाएंगे तो उनके साथ कैरीड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो डिस्टेंस प्लेसेस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपके जेंथियम आ जाता है और अरेना। ठीक है, इसके आ जाते हैं, कुछ सीड डिस्पर्स करते हैं, कैसे डिस्पर्स करेंगे, अब कुछ सीड कैसे डिस्पर्स करते हैं आपके। ठीक है, जब फ्रूट वो फुली राइप हो जाता है ना, तो एक जर्क, एक झटके से वो अचानक क्या करता है, वो बर्स्ट कर जाता है। ठीक है, और ये फट जाएगा फ्रूट, और इसके बीच में से इसके सीड जो वो काफ़ी दूर दूर तक गिर जाते हैं। ठीक है, सीड जो वो काफ़ी दूर तक स्कैटर हो जाते हैं उसके पेरेंट प्लांट से, जो उसका मेन प्लांट है उससे काफ़ी दूर जो स्कैटर हो जाते हैं। इस वजह से भी क्या है, वो आगे जो स्प्रेड कर जाते हैं। जैसे कैस्टर है आपका, कैस्टर में इस तरीके से होता है, जब वो फुली हार्ड होता है ना काफ़ी ज़्यादा, और जब वो फुली राइप हो जाता है तो उसके बाद एक जग के साथ, एक सडन जग के साथ वो क्या करता है, स्प्रेड करता है, और वहाँ पर क्या हो जाता है, इसके सीड वो काफ़ी दूर दूर डिस्पर्स हो जाते हैं उसके पेरेंट प्लांट से, जैसे कैस्टर है या बाल्सम है। ठीक है, तो ये थे हमारे डिस्पर्सल मेथड। ठीक है, जेंथियम का भी मैंने आपको बताया, तो ये हमने देखा कि किस तरीके से फ्रूट हमारी फॉर्मेशन होती है, सीड फॉर्म करता है, देन सीड डिस्पर्सल के हमने डिफरेंट मेथड देखे, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू जो है वो सीड डिस्पर्स करते हैं, और किस टाइप के सीड जो वो किस थ्रू की, मतलब किस टाइप की एजेंसी के थ्रू जो है वो स्प्रेड करते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक था आपके इस चैप्टर का। ओके, बाय स्टूडेंट्स।